मैं आजकल जो कांग्रेस पार्टी में जो जोश है उसको मैं टेस्ट करता हूं, भाषण से पहले मैं टेस्ट करता हूं, मैं टेस्ट करना चाहता हूं। चौकीदार, 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 मामला फिट है। पिछले इंटरव्यू में कहते हैं मैं आम इस तरीके से खाता हूं, मैं आम पेड़ पे चढ़कर पेड़ से आम को लेकर फिर खाता हूं। फिर कहते हैं मैंने अपना कुर्ता यहां से काट दिया। कहते हैं भाइयों और बहनों पकौड़े बनाओ। एयरफोर्स के जनरल्स के साथ बैठ के कहते हैं जब बालाकोट पे आक्रमण करोगे मौसम खराब है इसलिए हवाई जहाज, हिंदुस्तान का हवाई जहाज रेडार पे नहीं दिखाई देगा। अरे नरेंद्र मोदी जी, इन चीजों से और जनता की समस्याओं के बीच में क्या है, क्या लेना देना है? आप जनता को आम खाना मत सिखाइए, आप जनता को कुर्ता काटना मत सिखाइए, आप जनता को यह बताइए जो आपने वायदे पिछले 5 साल में किए, रोजगार का, भ्रष्टाचार का, काले धन वाला, किसानों की जो मदद करने की बात की थी, सही दाम दिलवाने की जो बात की थी, उसके बारे में आपने क्या किया? कुछ नहीं। आजकल भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी इंटरव्यू में कागज पकड़ के पढ़ के जवाब देते हैं, उनके पूरे पूरे जवाब मिल जाते हैं उनको पहले ही। पत्रकार कहते हैं मोदी जी बेरोजगारी की बात मत कर देना, मोदी जी गलती से भी भ्रष्टाचार मत बोल देना, उधर चौकीदार चोर बोल रहे हैं, चौकीदार चोर बोल रहे हैं, सब लोग फंस जाएंगे। तो अब आम की बात हो रही है, कुर्ते की बात हो रही है, बादलों की बात हो रही है, मगर जो हिंदुस्तान सुनना चाहता है कि आप हिंदुस्तान के लिए क्या करोगे, क्या करा, वो नरेंद्र मोदी। सही बात है, आपको आपको कोई हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति मिला जिसने कहा कि हां भैया नोटबंदी से दुकानदारों का फायदा हुआ, नोटबंदी से बिजनेस वालों का फायदा हुआ, नोटबंदी से युवाओं का, माताओं बहनों का फायदा हुआ? माताएं आई हुई हैं यहां पे, आपने घर में पैसा बचा के रखा था, ना ले गया ना नरेंद्र मोदी, ले गया ना। हां अब देखिए इनके दिल में, दुख है, इनके दिल में दुख है। ये कह रहे हैं, ये कह रही हैं कि देखिए हमने सालों पैसा बचाया, नरेंद्र मोदी जी ने झूठ बोला हमें, कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, 56 इंच की छाती है, सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। ये माताएं बहनें खड़ी हुई, खुशी से खड़ी हुई, मगर फिर जब ये लाइन में खड़ी थी, लाइन में इनको एक चोर नहीं दिखा, अनिल अंबानी नहीं दिखा, मेहुल चौकसी नहीं दिखा, भ्रष्ट लोग नहीं दिखे, सिर्फ ईमानदार लोग दिखे थे, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार। पूरा का पूरा पैसा आपके जेब से निकाल के 15 लोगों के जेब में डाला। माताएं 5,55,000 करोड़ रुपए चौकीदार ने 15 लोगों का कर्जा माफ किया है। अब मैं किसानों की थोड़ी बात करता हूं। कमलनाथ जी बैठे हैं, बघेल जी बैठे हैं, हमने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा, 2 दिन में कर्जा माफ हुआ। और मैं जानता हूं बीजेपी के लोग, बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं जानता हूं। शिवराज चौहान जी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्जा माफ नहीं किया। अब देखिए मजा देखिए, कमलनाथ जी आपके पास तो कागज पड़े जरा, हम तैयारी करते हैं, हम तैयारी करके बोलते हैं। देखिए कमलनाथ जी जरा बताइए, इनके नाम बताइए जरा। रोहित सिंह,
रोहित सिंह गांव का नाम जैत, इसका कर्जा माफ हुआ। ये कौन है? शिवराज सिंह के भाई है, सगे भाई है। और ये पढ़िए कमलनाथ जी, इसका बताइए जरा, ये कौन है? निरंजन सिंह, गांव का नाम जैत, कौन है? शिवराज सिंह के भतीजे, कर्जा इनका माफ हुआ। एक कमलनाथ जी दिखाना जरा, मैं आपको ठीक से दिखा देता हूं। ये देखिए, ये फॉर्म देख लीजिए, शिवराज सिंह जी के परिवार का कांग्रेस पार्टी ने कर्जा माफ किया है। और शिवराज चौहान जी मध्य प्रदेश को झूठ बोल रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ है। अब देखिए कांग्रेस पार्टी का दिल देखिए, नरेंद्र मोदी की 56 इंच छाती, कांग्रेस पार्टी का दिल 56 इंच का है। हजारों बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कर्जा माफ हुआ है, हम नहीं देखते। अगर हमने कहा मध्य प्रदेश की जनता का कर्जा माफ होगा और उसमें अगर शिवराज चौहान जी का परिवार शामिल है तो शिवराज चौहान जी के परिवार का भी कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ करेगी। सब हमारे हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, सब हमारे हैं, हिंदुस्तान के सब लोग हमारे हैं। नरेंद्र मोदी जी नफरत से बात करते हैं, मेरे पिता का अपमान करते हैं, दादी पर दादा के बारे में बोलते हैं, मगर मैं कभी भी जिंदगी भर नरेंद्र मोदी के परिवार के बारे में, उनके माता पिता के बारे में कभी नहीं बोलूंगा। मैं मर जाऊंगा, आप सुनो, मैं मर जाऊंगा मगर मैं नरेंद्र मोदी जी की मां और पिता का अपमान कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आरएसएस का आदमी नहीं हूं, मैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का आदमी हूं। और जितना भी क्रोध, जितनी भी नफरत उन्होंने मुझे मेरे ओर फेंकी, मैं उनको वापस प्यार दूंगा, मैं उनसे गले मिलकर झप्पी देकर उनको प्यार दूंगा। मगर एक बात समझ लीजिए, प्यार से नरेंद्र मोदी जी को हम चुनाव में हराएंगे। हमने कहा नरेंद्र मोदी जी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में हम आपको प्यार से हराएंगे। आप जो बोलना चाहते हो बोलो, हम प्यार से गले लग के आपको हराएंगे, आपका ऐसे पकड़ के आपको हराएंगे। हम गले लगे नरेंद्र मोदी से, प्यार से हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में उनको हराया और प्यार से हम 2019 में उनको हराने जा रहे हैं। अब किसानों के लिए दो और काम करें। पहला काम, दो बजट बनेंगे, एक नेशनल बजट होगा, दूसरा किसानों का बजट होगा। किसान को शुरुआत में ही, साल की शुरुआत में ही हम बता देंगे कि इस साल आपके लिए आपकी सरकार इतनी एमएसपी बढ़ाएगी, इतना बोनस आपको मिलेगा, इस प्रकार के फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आपके यहां लगेंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, नुकसान होगा, इतना कॉम्पनसेशन मिलेगा। साल की शुरुआत में ही किसानों को हम बता देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, ऐतिहासिक बात, किसानों ने हमें कहा, देखिए राहुल जी, अनिल अंबानी जेल के बाहर है, नरेंद्र मोदी ने राफेल घोटाले में उसको 30,000 करोड़ रुपए दिए, 45,000 करोड़ रुपए उसका कर्जा माफ हुआ, विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया। मगर अगर उज्जैन का किसान 20,000 रुपए, लाखों छोड़िए 20,000 रुपए बैंक से लेता है, अच्छा भैया सुनिए सुनिए भैया, पुलिस जी
पुलिस जी उनको तंग मत कीजिए प्लीज। शाबाश। तो जो 20,000 रुपए उज्जैन का किसान 20,000 रुपए लेता है, वापस नहीं दे पाता, आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, उसको जेल हो जाती है। मगर विजय माल्या 10,000 करोड़ रुपए चोरी करके भाग जाता है, उसको जेल नहीं होती। किसानों ने हमसे कहा कि इसके बारे में कुछ कीजिए, हमने कर दिया। मैनिफेस्टो में एक लाइन लिख दी है 2019 में, उज्जैन का कोई भी किसान, मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का कोई किसान कर्ज ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जाएगा।